और इसका जितने सारे है अभी भी बोल रहा हूँ पूरा देश को सुन लीजिए, ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष तो कुछ रहा है, इतना तुष्टिकरण रहे जे जो खड़ा है ना इन लोग का भी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा, वहां पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है सर, सर वहां पे हम लोग जो पूजन करती है जय श्री राम नहीं बोल पाओगे आप, काली पूजा कर नहीं पाओगे ए, आपको सरस्वती पूजा कर नहीं पाओगे। प्लीज बैठे, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात है सर आप बैठे, उल्टा सीधी बोल के माननीय सदस्य आप बैठे, आपका अवसर सीधी बोल के लोग ठीक है सर, आपको अवसर मिलेगा, आपको अवसर। पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों के बाद पूरा हिंदू जाति खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मुस्लिम गठन होगा, मैं बोल रहा हूँ सर 10 साल का बाद याद रहेगा पूरा बंगाल। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान ने तृणमूल कांग्रेस विधायक के मुस्लिम राष्ट्र की बात करने और सरेआम महिला को तालिबानी स्टाइल में सजा देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के आपको बता दें कि जुड़े हुए कई सारे महिलाओं से जुड़े हुए मामलों को उठाया, महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े हुए मामले को उठाया और इस दौरान सांसद सौमित्र खान ने बड़ा खुलासा हुआ करते हुए कहा कि अगर आज इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, आज इन चीजों पर विशेष तरीके से नहीं इसे देखा गया तो फिर आने वाले समय में पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा, ये आने वाले समय में मुस्लिम राष्ट्र भी बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खान ने कहा, तृणमूल कांग्रेस विधायक ने कहा कि ये मुस्लिम देश है और किसी महिला को सड़क पर पीटा जा सकता है। उन्होंने 20 सड़क पर एक महिला की पिटाई की, यह घटना कल चोपड़ा ब्लॉक में घटित हुई। सौमित्र खान ने तृणमूल कांग्रेस सरकार में पश्चिम बंगाल में हो रहे कथित राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठा। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा विधानसभा के अलावा कोई चुनाव नहीं होता, राज्य सरकार जो है राज्यपाल की नहीं सुनती, अगर चुनाव आयोग और सुरक्षा बल ना हो तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होगा। अब तक 200 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, इससे पहले टीएमसी के नेता कल्याण बैनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे, इस दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से बंगाल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उन्होंने बताया कि किस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रही है और आने वाले सिचुएशन में कितनी ज्यादा यह स्थिति जो है वर्स्ट होने वाली है। उन्होंने बताया कि किस तरीके के सिचुएशन इस वक्त चल रहे हैं, उन्होंने बताया कि बंगाल में बिना सेंट्रल फोर्स के आप कोई चुनाव नहीं करवा सकते हैं और ये बात हाई कोर्ट ने भी स्वीकार कर ली है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की सिचुएशन है बंगाल में, बंगाल कुछ समय बाद मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बांग्लादेश में मिलने में देर नहीं लगेगी, कट्टरपंथी मुसलमानों का तुष्टिपूर्ण हो रहा है और टीएमसी के विधायक इस्लामी कानून लागू कर रहे हैं और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पर महिलाओं के उत्पीड़न हो रहे हैं, बंगाल के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इलेक्शन करवाना भी इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स के लिए वहां पर जो है दांते तले चने चबाना जैसा हो चुका है, पंचायत का जो है और म्युनिसिपल इलेक्शन जो है पश्चिम बंगाल में होते ही नहीं है, 200 से ज्यादा बीजेपी के वर्करों को मार दिया, इलेक्शन जो अभी रिसेंट हुआ युवा मोर्चा के लोगों को भी यहाँ पर मारा गया, टीएमसी एक कुछ बिहार में एक औरत के साथ गलत करती है, उन्हें नंग जो है परेड कराया जाता है, टीएमसी के एमएलए कहते हैं कि ये मुस्लिम राष्ट्र है और रास्ते पर एक महिला को कोड़ों से पीटा जाता है और वो भी ये सब जो है चोपड़ा के वहां पर हो रहा है, चोपड़ा के कॉलोनी में हो रहा है। जिसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज किस तरीके की स्थिति बंगाल में हो चुकी है कि यहाँ पर न गवर्नर की सुनते हैं, ना यहाँ पर प्रेसिडेंट की सुनवाई होती है, ना यहाँ पर कोर्ट की सुनते हैं और यहाँ पर जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है और समय के साथ और भी ज्यादा खराब हो रही है, ममता सरकार तालिबानी सरकार की तरह काम करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में ही काफी कुछ बयानबाजी संसद के अंदर देखने के लिए मिली, लोकसभा में इसे लेकर काफी बहस जो है देखने के लिए मिला, अब इस मामले पर जो है प्रतिक्रियाएं भी लगातार देखने के लिए मिल रही है। लोग सौमित्र खान को लेकर सराहना कर रहे हैं कि आखिरकार बंगाल के मुद्दों को संसद में इतनी मजबूती के साथ उठाया जा रहा है, क्या कुछ और सौमित्र खान द्वारा कहा गया था जरा सुनिए। शेर मैंने सोचा था जज प्रेसिडेंट
स्पीच से बात करेंगे। हम सोचा था आज थैंक्स टू प्रेसिडेंट स्पीच से बात करेंगे, लेकिन जो महल बन चुका है तो कुछ ना कुछ तो मेरे को बोलना चाहिए। मैं सिर्फ यही बोलेंगे, अरे भाई हमको तो बोलने दो। अरे भाई सर ऐसे बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं कोलन लगो, कोलन ना मैं बोलेंगे ही, जो कोलन द इलेक्शन कमिश्नर को बोला है। मैं मेरे राष्ट्रपति को जी प्रणाम, और अभी कोल्ला तो बोल रहा था जो इलेक्शन कमीशन के बारे में, मैं सब यही बोलेंगे जो बंगाल में इलेक्शन सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली छोड़ के कभी होता नहीं है। बंगाल का एक ट्रेडिशन बन गया, जो राज्यपाल को नहीं मानेंगे बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया, राष्ट्रपति को नहीं मानेंगे बंगाल का एक ट्रेडिशन हो गया, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। ये जो कोल्लांदा जो उठा है, मेरा वरिष्ठ लीडर है, वरिष्ठ नेता था, तो कोल्लांदा जो इलेक्शन कमीशन इतना घटिया काम किया। लेकिन सुनिए, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगा तो इलेक्शन कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी पंचायत इलेक्शन नहीं होता है, कोई भी म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ यही होता है सर। वहां पर विरोधी पक्ष को, ये जो बोलते हैं विरोधी पक्ष को 200 आदमी से ज्यादा हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता को मार दिया है, ये लोग 200 का कार्यकर्ता मार दिया है सर। ये कैसे बोलते हैं सर, 200 कार्यकर्ता को हम लोग का मार दिया सर। वो पे कोई फ्रीडम नहीं है विरोधी पक्ष का, विरोधी पक्ष का किसी का भी बोलने का हक नहीं है। यहाँ पे तो मीटिंग होता है, लेकिन बंगाल में कोई मीटिंग भी नहीं होता है। यहाँ पे तो पीएम दूसरे एमपी को बुलाता है, वहां पे हमको तो बोलने के लिए मौका भी नहीं देगा, क्योंकि सबसे डर है ही कोई सीएम पश्चिम बंगाल में, कोई भी सीएम हम लोग विरोधी पक्ष एमपी एमएलए को कभी मीटिंग में बुलाता नहीं है। अरे ये लोग बोलती है जो यहाँ पे नहीं बोलते है, ये लोग कभी पीएम तो बोलती है, यहाँ पे तो कोई स्टैंडिंग मीटिंग होती है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यही है सर, हमारा ये इलेक्शन के बाद, ये इलेक्शन के बाद अभी भी हमारा बीजेपी युवा मोर्चा कर्ता को मार दिया गया। अभी कोच बिहार में एक महिला को नांगक रास्ते में छुलाया, ये लोग तृणमूल वाले ये लोग बात कर दिया, ये लोग बात कर दिया है, कोच बिहार में हुआ है। आज चोपड़ा में आज आपको वहां पे तृणमूल के एमएलए बोल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए बोल रहे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में महिला को रास्ते में पिटाई देना चाहते हैं। रास्ते में पिटाई होती है बगल में महिला को, रास्ते में पिटाई होती है। अरे ये लोग महिला की बात करती है, ये लोग महिला की बात करती है। चोपड़ा में हुए यस्टरडे मॉर्निंग में हुआ है, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में कोई विचार मोदी को भी बोलते है, पश्चिम बंगाल में विचार को भी बोलते है जय भाई, यहाँ पे विचारपति नहीं चलेगा। लेकिन कैसे होगा, ये पश्चिम बंगाल में ऐसे है जो आप लोग महिला को सम्मान नहीं रखती है। प्लीज काइंडली जो है मिस्टर कल्याण बनर्जी काइंडली बी सीटेड, कृपया आप बैठ जाए। सतीश जी कृपया आप सभी बैठ जाए, कृपया आप सभी लोग बैठ जाए। सतीश जी बैठ जाए, अरे भाई बैठो, आप सभी लोग बैठ जाए कृपया। सर मैं खड़ा हूँ, आप चेयर सतीश गौतम जी, माननीय सतीश गौतम जी, माननीय सतीश गौतम जी, माननीय सतीश गौतम जी, चले सतीश जी जाओ स्पीकर। क्या बात है, कल्याण जी कृपया बैठ, कृपया आप बैठ, सब क्या बात कर, आप सभी लोग कल्याण जी कृपया आप बैठ जाए। एक तो आप बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब सदन पे पीठ से अगर आपके चेयरमैन या स्पीकर साहब खड़े होते हैं
यह 18वीं लोकसभा का नया सत्र है। 381 हमारे नए सदस्य आए हैं। कम से कम इस बात के लिए तो कल्याण जी ख्याल रखेंगे, शताब्दी इस बात का ख्याल रखोगी कि अगर चेयर से हम बोल रहे खड़े होके तो इस ये बात आप इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम क्या प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं इसको पूरा देश देख रहा। 381 सदस्य हैं, अगर कभी स्पीकर चेयर पे खड़े हो गए या मैं खड़ा हो गया तो कृपया सभी बैठ जाएं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। और मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं मैं आपको भी समझा रहा हूँ, उनको भी समझा रहा हूँ, प्लीज़ आपको स्पीकर हैज़ गिवन एनफ टाइम, आई थिंक सो यू हैव टू मेंटेन साइलेंस। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आपसे आग्रह करूँ, जिस माननीय सदस्य को अवसर दिया गया है उसको बोलने दें। जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हम सबको सुन रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, और सभी जो भी सरकार की आलोचना करना चाह रहे हैं अपने शब्दों में कर रहे हैं, उसका सरकार जवाब देगी। इसलिए कृपया व्यवधान उत्पन्न करें। धन्यवाद। सोमिन खान साहब, थैंक यू सर। शेर कृपया, आज जो इस संसद में विरोधी पक्ष का सम्मान के लिए बोल रहे हैं, शेर आज भी बोलेंगे बंगाल पे बोलेंगे। हम लोग विरोधी पक्ष सांसद थे 18, लेकिन सर 18 सांसद को कोई भी दिशा मीटिंग नहीं होती है सर। आप इधर एड्रेस करें सर, आप हमारी तरफ एड्रेस करें। हमारा सांसद हमारा 18 था सर, 5 साल में एक भी दिशा मीटिंग नहीं हुआ। इसका जमींदार कौन है? इसका जमींदार कौन है सर? इसके बाद सर आपका विरोधी पक्ष को बंगाल पे जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होती है कोई विरोधी पक्ष एमपी एमएलए को नहीं बुलाता है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर को बोलो विरोधी पक्ष को बुलाओ। सर सबसे बड़ी बात है, एक जेसीबी बोल के तृणमूल कांग्रेस का लीडर यस्टरडे एक महिला को पिटा रहा है और बोल रहे जे मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में ऐसी होती है महिला को रास्ते में पिटाएंगे। एक कैसी होती है देश में? क्या मुस्लिम राष्ट्र हो गया? पश्चिम बंगाल में कोचबिहार में बीजेपी करने के लिए एक महिला को नांगा घुमाया रास्ते में, ये क्या तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है? ये तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है सर। अरे लोग आपको क्या बोलेंगे? आपका ये बोल रहा हूं सर, भारत बस एक टाइप का इलेक्शन होती है। कांग्रेस का लीडर जो खड़ा है, जो यहाँ पे एमपी आए है, ओदी चौधरी को क्या बोला तृणमूल कांग्रेस ने? उसको इलेक्शन करने नहीं दिया। अरे यहाँ पे जोट का गठबंधन का दिशा देख रहे हैं और वहां पे एंट्री कर रहा है, ये क्या गठबंधन है भाई साहब? क्या इंडिया जोट है? वहां पे गाली दे रहे ओदी चौधरी को और यहाँ पे आप लोग बोल रहे गठबंधन है, इंडिया का गोट है, क्या है? वहां पे कांग्रेस कर्मी को हत्या किया है और यहाँ पे बोल रहे गठबंधन है, कैसे है ये? दूसरा कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात है सर, पश्चिम बंगाल में मैं ही चाहता हूं पश्चिम बंगाल में काम होना चाहिए जैसे हमारे एरिया में बहुत सारे काम हुआ, विष्णुपुर तारकेश्वर रेलपथ हुआ, लेकिन जमीन नहीं दे रहे 2 किलोमीटर। आज बहुत सारे डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ करेंगे नहीं, करने नहीं देंगे। कुछ बोलेंगे तो बोले हम जीता है हम सब कुछ करेंगे। तो बोलिए ना सर, 98 संख्या जो है तृणमूल कांग्रेस का 29 ज्यादा है क्या 240 ज्यादा है? 29 ज्यादा है क्या 240 ज्यादा है? ये लोग बोलते हैं हम लोग पूरा देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ममता बनर्जी की इच्छा है, पश्चिम बंगाल का सीएम का इच्छा है जो हम देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन सबसे बड़ी बात है संख्या नहीं मिलती है। और इसका जितने सारे है अभी भी बोल रहा हूं पूरा देश को सुन लीजिए, ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन ये पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष तो कुछ रहा है। ये सुन लीजिए, वहां पे इतना तुष्टिकरण हो रहा है जे जो खड़ा है ना इन लोग का भी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा, वहां पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है सर वहां पे हम लोग जो पूजन करती है जय श्री राम नहीं बोल पाओगे, आप काली पूजा कर नहीं पाओगे,
आपको प्लीज बैठिए। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात है सर, आप बैठे उल्टा सीधी बोल के। माननीय सदस्य आप बैठे, आपका अवसर सीधी बोल के लोग ठीक है, आपको अवसर मिलेगा, आपको अवसर मिले। प्लीज सबसे बड़ी बात यही है, इलेक्शन सर इलेक्शन होना चाहिए तो पश्चिम बंगाल में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, बीडीओ है, सब जुड़ा हुआ है। किसके लिए सर? काउंटिंग में, काउंटिंग में बहुत ही सारे जो हमारा सांसद का काउंटिंग हो रहे है, सबका काउंटिंग एजेंट को बाहर कर दिया। ये लोग बोला, ये लोग बोलते हैं वहां पे अच्छा से इलेक्शन होती है। इलेक्शन अभी भी करना होगा तो पूरा के पूरा उतने जा रहे ऑफिसर से सबको बाहर करना है, नहीं तो ये लोग सर पूरा देश को तुष्टिकरण करके आज कुछ पूरा ऑफिसर को लेके ये पूरा भारत से बाहर हो जाएगी। मैं सिर्फ यही बोलेंगे, ये पूरा देश जैसे अच्छे इलेक्शन होती है, मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे। सुदीप दा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट है, अभी भी आज भी घोटा है, आज भी जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उन लोग बाहर करके जमीन ले रहे हैं, आप लोग हड़प कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग, आप आंसर दीजिए। कृपया समाप्त करें। हम हाँ सर समाप्त कर रहा हूँ, कृपया समाप्त करें सर। सब यही बोलेंगे, पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों के बाद पूरा हिंदू जाति खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मुस्लिम गठन होगा। मैं बोल रहा हूँ सर, 10 साल का बाद है, याद रहेगा पूरा बंगाल। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बंगाल के मुद्दों को जो है लोकसभा में उठाया, जिसके बाद बीजेवाईएम के जो है आप कह सकते हैं आईटी सेल के प्रमुख है श्रीनिवास सिंह, उन्होंने लिखा है कि भाजपा सांसद सौमित्र खान ने संसद में खुले तौर पर कहा कि बंगाल कुछ वर्षों में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बांग्लादेश में इनले में देर नहीं करेगा, कट्टरपंथी मुसलमानों का तुष्टिकरण हो रहा और टीएमसी के विधायक इस्लामी कानून लागू कर रहे हैं और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर फिर जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी लिखा है कि हमारे 200 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद मार डाला गया, एक महिला को नंग करके जो है उन्हें परेड निकाली गई, बंगाल में बिना सेंट्रल फोर्स आप कोई चुनाव नहीं करवा सकते, यह बात हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया है, बीजेपी सांसद सौमित्र खान। उसके बाद इसी तरीके से लोग लिख रही हैं, लगातार उनके वीडियो को शेयर कर रही हैं और कह रही हैं कि टीएमसी के एमएलए अपने इलाके में इस्लामी कानून लागू कर रहे हैं, जय बंगला बोलकर हिंदुओं को ठगा जा रहा है। तो ये बड़े बयान जो है उनके द्वारा दिए गए हैं और बंगाल की स्थिति जो है उन्होंने सबके सामने उजागर की है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से लोकसभा में बंगाल के सांसद जो है सौमित्र खान ने राहुल गांधी ममता बनर्जी को जमकर जो है धोया है, वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी को लेकर भी जो है सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में कुछ वर्षों में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा ये खुलासा किया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर जरूर বাংলা যে দিশা দেখাচ্ছে, চোপড়ায় যেভাবে মহিলার উপর আক্রমণ করা হয়েছে, যেভাবে কোচবিহারে একজন মহিলাকে উলঙ্গ করে যেভাবে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে, তাতে জয় বাংলা বললে সব গুণ মাপ। আর সেই জায়গায় দেখাচ্ছে, এবং সেখানকার বিধায়ক বলছেন যে মুসলিম রাষ্ট্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটে, তার মানে কি হচ্ছে? আমরা কি ভারতবর্ষে থাকবো পশ্চিমবাংলা, না বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হব? সেটা হয়তো আগামী 10 বছরে আমরা দেখতে পাবো। সেই কথারে আওয়াজ তুললাম লোকসভায়। এই বলেন পশ্চিম বাংলা মে চোপড়া যে ঘটনা ঘটিয়ে আর কোচবিহার মে যে ঘটনা ঘটিয়ে মহিলা কো রাস্তায় পিটা রা হ্যা উসকে জেসিবি বলকে তৃণমূল কংগ্রেস কা লিডার আর উসকো সাথ দে রা হ্যা উসকা বিধায়ক বল রে রাস্তে মে এসে কাণ্ড মুসলিম রাষ্ট্র মে হোতা হ্যা। তো আপ বলিয়ে, এ ভারতবর্ষ কি মুসলিম রাষ্ট্র হ্যা, কি বাংলাদেশ কে সাথ চল জায়েগা কি পশ্চিম বাংলা? এই দিশা रुकने के लिए, इस दिशा पूरा भारत को नजर रखने के लिए हमने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। आज एक प्रयागराज हाईकोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें ये कहा है कि धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से सभाएं होती है नहीं होने, तो चिंता का विषय है। 100% चिंता का विषय। पश्चिम भारत हम लोग हिंदुस्तान का था, आज हिंदू जातियों के खतरे में है। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए है तो हमारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो है वो लोग बोलेंगे, लेकिन पार्टी के स्पोक्स पर्सन इसमें वो बोलेंगे आपका।